ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमालों के लगातार दावे विपक्ष करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो साफ तौर पे न सिर्फ ईडी के लिए चेतावनी है बल्कि बीजेपी के लिए एक झटका भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। दरअसल इसका कारण डीके शिव कुमार को लेकर दिया गया वो फैसला है जो 2018 से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जहां पर जबरदस्ती उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस के नेता है, बड़े नेता है, उनको संकट मोचन भी कहा जाता है कांग्रेस, उनके साथ लगातार ईडी का शिकंजा उन पर घेरा जा रहा था। न सिर्फ उतना बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी इसी बीच में, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी थी। इस सब के बीच वो लंबी लड़ाई 2018 से लड़ते आ रहे थे, और इस पर जब आज फैसला आया पिछले दिनों, तो उसके बाद न सिर्फ जीत कांग्रेस की हुई बल्कि जीत उस न्याय की हुई जिसके उम्मीद सभी को थी। दरअसल लगातार जब भी बात ईडी और सीबीआई के छापों की होती है या फिर उनके मामलों की होती है, तो सवाल उठते हैं कि क्या ये सचमुच सरकार के इशारों पर चल रहे हैं, क्योंकि जब भी जांच होती है तो जांच में कुछ भी नहीं निकलता। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद इस पर सवाल भी करता है कि सवाल का जवाब दे कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने ईडी को कहा था कि आप अगर कोई समन पे नहीं आ रहा है तो उस बुनियाद पर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस तरह की बातें भी कई बार सुप्रीम कोर्ट को ईडी को समझानी पड़ती है, और इस बार एक बार फिर से एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हिंदुस्तान की खबर है जहां नजर डालिए, लिखा गया है डीके शिव कुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस को खारिज कर दिया है। फिलहाल वह कर्नाटक के डिप्टी सीएम है। यह डीके शिव कुमार के लिए ही सिर्फ वो स्थिति नहीं है जब उनके लिए एक बड़ा बोझ उनपे से उतर गया है, बल्कि ये स्थिति कांग्रेस के लिए भी अच्छी है, देश के लिए भी अच्छी है कि ईडी के शिकंजे से वो लोग बाहर निकल रहे हैं जिनपे जबरदस्ती गलत तरीके से इल्जाम लगाया जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर कोई बीजेपी का नेता है तो उसपे 0% चांसेस है कि उसपे कभी भी ईडी या सीबीआई के छापे लगेंगे। लेकिन अगर कोई विपक्ष का है तो वो कितना भी क्यों ना प्योर हो, भले ही उसकी कोई भी गलती ना निकले, उसके बावजूद उस पर कार्यवाही की जाएगी। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर के सवाल किया और पूछा कि आखिर क्या पूरा मामला था, और जब उस पर सफाई दी गई वकील द्वारा, तो क्या सब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा सुनिए। सुनकर आप भी सोचेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा था और किस तरीके से इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। ईडी किस तरीके से मामले को घुमाने का प्रयास कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या सब कहा है। दोस्तों एबीपी की खबर है जहां पर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आपराधिक साजिश यानी कि आईपीसी की धारा 120B के आरोप में अगर किसी एजेंसी ने किसी को आरोपी बनाया हो तो वह ईडी की तरफ से पीएमएलए का मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर पीएमएलए कानून में दिए गए अपराध की साजिश में कोई शामिल रहा हो तभी मुकदमा चल सकता है। ये बात साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ईडी को लेकर कही है। और अब पूरा मामला क्या था आखिर डीके शिव कुमार को लेकर, वो आपको एलैबोरेट करके बताएंगे। मगर दोस्तों ये एक पुरानी खबर है, इस पर नजर डालना जरूरी है, जहां पर हिंदुस्तान की खबर है, लिखा गया है जांच में सहयोग नहीं कर रहा, क्या कर गिरफ्तार नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को सख्त हिदायत। यानी इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सख्त हिदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट को ने ईडी को, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी ईडी की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता तो सिर्फ इसी बुनियाद पर या इसी आधार पर जांच अधिकारी धारा 119 के तहत उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और उसके बाद किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर शिकंजा घेरा गया, बीजेपी के कई ऐसे जो नेता हैं जिन पर पहले शिकंजा हो सकता था लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो शिकंजा अपने आप गायब हो जाता है, कांग्रेस के कई नेता हैं
टीएमसी के भी नेता हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको छोड़ दिया गया हो। अगर बात कर लें सिर्फ बीजेपी में, बीजेपी में सारे के सारे जो हैं वो दूध के धुले हुए, गंगा जी से गंगा स्नान करके निकले हुए, पवित्र होकर आए हुए ऐसे नेता हैं जिन पर कभी ईडी और सीबीआई के छापे पर ही नहीं सकते हैं। और लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जब भी सवाल होता है कि आखिर क्या बीजेपी के नेता ऐसे ही दूध के धुले हुए हैं, तो दूसरे पार्टी से जो भ्रष्ट नेता जाता है वो भी दूध का धुल जाता है वॉशिंग मशीन में जाकर। खैर दोस्तों, पूरा मामला क्या था देखिए, हिंदुस्तान की खबर है जहां पर लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस को खारिज कर दिया है। फिलहाल डीके शिव कुमार कर्नाटक के कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था और उसमें पूछताछ भी की गई थी। यही नहीं, डीके शिव कुमार को 2018 में ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर वह बाहर आए थे। डीके शिव कुमार का कहना था कि भाजपा सरकार बदले की कार्यवाही के तहत उन पर एक्शन ले रही है, यानी कि भाजपा सरकार बदला चाहती है और यही कारण है कि उन पर एक्शन जबरदस्ती लिया जा रहा है, बिना किसी कारण के उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए खबर में, डीके शिव कुमार एवं कुछ अन्य लोगों पर इस केस में आरोप था कि उन्होंने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा नेटवर्क बनाया था। इन लोगों के जरिए अघोषित कैश को ट्रांसफर किया जाता था। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी और फिर मामले की जांच ईडी ने संभाल ली थी। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगस्त 2019 में डीके शिव कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया था और ईडी समन पर रोक नहीं लगाई थी। इसके खिलाफ डीके शिव कुमार ने फिर शीर्ष अदालत का रुख किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट उसके बाद वो पहुंच गए थे, जब हाई कोर्ट में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस मामले का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात डीके शिव कुमार की ओर से कही थी कि डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी की जांच में कहा गया है कि उन्होंने आपराधिक साजिश रची है। एजेंसी का यदि यह आरोप है तो फिर यह आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत आता है, ऐसे में यह केस परिवर्तन निर्देशालय के तहत नहीं आता है, यानी यह ईडी के तहत ही नहीं आता है अगर इस हिसाब से हम देखें तो। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी, यानी सेक्शन 120 के तहत अगर हम इस मामले को देखें तो ये ईडी के अंडर ही नहीं आता है ये मामला, ये बात कही गई थी। जिसके बाद सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश गलत था, क्योंकि सिर्फ 120 बी के तहत आने वाले अपराध की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं की जा सकती है। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां पर कही, सुप्रीम कोर्ट में कही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि वो उन्हें इस केस से राहत मिलती है, इस मामले से राहत दी गई है। और अब डीके शिव कुमार को मिली राहत बीजेपी के लिए गलत साबित हो सकती है, क्योंकि अगर ईडी की हार यानी कि बीजेपी की हार, लोग तो ईडी और सीबीआई को अब बीजेपी का गर्लफ्रेंड और घरवाली और बाहर वाली, पता नहीं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोग, और इस सब का कारण सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल लगातार बीजेपी करती आ रही है, जिसके कारण इस तरह की चीजें कही जाती है और इस सब पर सवाल उठता है। आज हमारे यहाँ ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये सारी जांच एजेंसियां एक कठपुतली बनकर रह गई हैं शायद, जिसमें जो केंद्र के अंडर प्रेशर में काम करती हैं, उनके हिसाब से काम करती हैं, और इस सब पर जवाबदेही किसकी है, किसी की नहीं, क्योंकि सरकार के प्रेशर में उन्हें काम करना है। वो क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कितना किस पर शिकंजा घेरना है, ये सारी बातें वहां से ऊपर से आती है उनके पास और वो वहीं पर फिर खत्म हो जाती है। इस सब को लेकर आपको क्या लगता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।